हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पास विंडोज़ 10 में या फिर विंडोज़ 11 में आप कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो वो वीडियो फाइल जो है प्ले नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको जो है मिसिंग कोडेक का ऑप्शन आ जाता है, तो उस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एरर आता है, अलग अलग फाइल फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड करने से ये जो है एरर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर वो MP4 में नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में आपने वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, फिर आप जब उसको जो है आपके PC में, लैपटॉप में जो है वीडियो को पेस्ट कर कर प्ले करते हैं तो ये एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो है वीडियो है जो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, अभी आपको जो है उसको प्ले कर कर बताऊँगा, तो यहाँ पर आपको एरर शो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मैं वीडियो को जो है प्ले कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिसिंग कोडेक और यहाँ पर इसका ये एरर है। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जैसे इसको क्लोज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ ऑडियो फाइल जो है प्ले हो रही है, तो आपको यहाँ पर वीडियो शो नहीं हो रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो फाइल को जो है क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ करने वाला हूँ। गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना हैंड ब्रेक। इस तरीके से आप इंटर प्रेस कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आपके PC में हैंड ब्रेक को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको इतने सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको Mac OS के लिए अगर होना है तो आप Mac OS के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको विंडोज़ के लिए होना है तो आप यहाँ पर विंडोज़ के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर लिनक्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ है, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, डाउनलोड 64 बिट, इसको जो है क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हैंड ब्रेक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है अपने PC में। बहुत सिंपल है, आपको कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है इसमें। डबल क्लिक कर कर आप नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल होता है तो आपको जो है इसको डबल क्लिक कर कर आपके PC में ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पर फाइल ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है, तो मेरी यहाँ पर जो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं वो उस फाइल को जो है यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हैंड ब्रेक में इसको जो है पेस्ट कर लेते हैं, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वीडियो फाइल शो हो रही है, इसका थंबनेल भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस वीडियो फाइल को, आपको यहाँ पर वेब ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो फाइल का फॉर्मेट भी यहाँ पर ये MP4 सेलेक्ट हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपको जो है यहाँ पर वीडियो फाइल का साइज़ भी जो है शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपके वीडियो फाइल का ड्यूरेशन भी शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपको डायमेंशन पर क्लिक कर कर बताऊँगा, तो यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास यहाँ पर क्रॉपिंग में यहाँ पर 0:0 होना चाहिए, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट, तो ये 0:0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये ऑटोमेटिक में कुछ यहाँ पर आपके पास साइड में नंबर शो हो रहे हैं, तो आप इसको जो है कस्टम क्लिक कर कर 0:0 कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर ये क्रॉप में यहाँ पर टॉप में या फिर लेफ्ट में अगर कुछ नंबर है, 1-2 नंबर है, तो आपका वीडियो जो है लेफ्ट साइड से या फिर टॉप से जो है क्रॉप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है, इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ये 0:0 होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन में आना है, यहाँ पर ये वीडियो को भी जो है सेलेक्ट हो गया है। इस तरीके से अगर आपने वीडियो को जो है 60 फ्रेम रेट में रिकॉर्ड किया था, तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप 60 फ्रेम रेट भी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 फ्रेम रेट जो है ले लिया है, तो इसको मैं 30 फ्रेम रेट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आपको जो है ब्राउज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर कर जो है फाइल सेव लोकेशन जो है सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पर स्टार्ट इनकोड के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पर ये प्रिपेयर टू इनकोड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, वीडियो का प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो आप जो है वेट कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वीडियो रेंडरिंग जो है कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपको जो है इसको क्लोज़ कर देना है, फिर आप जो है इस फोल्डर को भी क्लोज़ कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर वो वीडियो फाइल आ गई है, तो इसको जो है प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये जो वीडियो है यहाँ पर ये प्ले हो रहा है। आपने अगर आप इसको जो है पहले प्ले करते थे तो यहाँ पर ये एरर आता था, अभी यहाँ पर ये एरर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इस एरर को इजीली रिमूव कर सकते हैं आपके विंडोज़ पीसी में से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।